चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ तो आपको बता दूं कि इंटरनल के नियमों से बड़ी कॉलेजों की मुसीबत। आपको बता दूं कि NEP में इंटरनल में उपस्थिति होने पर स्टूडेंट्स गैर हाजिर नहीं दर्शाए जाएंगे और कॉलेजों में आंतरिक परीक्षा का महत्व हो जाएगा खत्म। जहाँ तो अगर NEP में इंटरनल में अनुपस्थित होते हैं छात्र तो उनको गैर हाजिर नहीं दर्शाया जाएगा, तो ऐसे में इंटरनल परीक्षा का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। NEP के तहत BA BCOM BSc कोर्स में आंतरिक परीक्षा में शासन के नए निर्देशों से कॉलेजों को मुसीबत बढ़ गई है। आंतरिक परीक्षा में गैर हाजिर रहने के बावजूद छात्रों को शून्य अंक देने और आंतरिक बाह्य परीक्षा को मिलाकर पास होने की छूट से कॉलेजों में आंतरिक परीक्षा का महत्व खत्म हो जाएगा। छात्र बाह्य परीक्षा के आधार पर पास हो सकेंगे। गैर हाजिर रहने पर शून्य मिलने को छूट से छात्र इन परीक्षाओं से किनारा करने लगेंगे। अभी है इंटरनल के ये नियम। विश्वविद्यालय के PG कोर्स में इस वक्त आंतरिक इंटरनल और बाह्य एक्सटर्नल की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार आंतरिक और बाह्य परीक्षा दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। यदि आंतरिक परीक्षा में छात्र फेल है तो वह बाह्य परीक्षा में भी फेल माना जाता है। यदि आंतरिक परीक्षा में छात्र अनुपस्थित रहते हैं तो छात्र को न केवल यह दोबारा देना होगा बल्कि बाह्य परीक्षा में भी दोबारा देनी पड़ती है। ऐसे में छात्र इंटरनल को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन UG NEP में ये हो गए नियम। शासन के प्रशासनिक नियमों के अनुसार छात्र आंतरिक एवं बाह्य परीक्षा को मिलाकर 33% नंबर लाने होंगे। ये नंबर दोनों मिलाकर होने चाहिए, यानी कि छात्र केवल थ्योरी पेपर में 33 नंबर लाकर पास हो सकता है, भले ही वह आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो अथवा शून्य अंक मिले। शासन ने छात्र के अनुपस्थित रहने पर भी शून्य अंक का प्रावधान किया है। इससे छात्र इंटरनल में गैर हाजिर रहने पर भी बाह्य परीक्षा देकर पास हो सकता है। इस नियम से इंटरनल परीक्षा को कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे इंटरनल में छात्रों को अनुपस्थिति भी बढ़ने को देखने को मिलेगी। वर्तमान में गैर हाजिर रहने पर मार्कशीट में अब्सेंट दर्शाया जाता है और उसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों द्वारा देने पड़ते हैं। कॉलेजों के अनुसार शासन या तो इंटरनल खत्म कर देगा या एक्सटर्नल के आधार पर बनाए गए उसके न्यूनतम अंकों के आधार पर ही उसको पास माना जाएगा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि MAD फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम प्रोग्राम आया था वो दोबारा से रिवाइज्ड कर दिया गया है। दोबारा से उसकी डेट सीट जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं जो छात्र MAD कर रहे हैं वो अपनी रिवाइज्ड डेट सीट को डाउनलोड कर ले और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम को दें।